देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 5 रुपए मुद्रित मूल्य के नोटों को खंडवा मुख्यालय सहित पूरे जिले में व्यापारियों सहित बैंकों में पदस्थ अधिकारी भी लेने से इनकार कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा 5 रुपए के नोटों के संचालन को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, न ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 रुपए के नोट को छापना बंद किया है। वहीं दूसरी ओर जनता या व्यापारी 5 रुपए के सिक्के को लेने से भी सीधे तौर पर मना कर देते हैं, जिसका मुख्य कारण है सिक्कों से जेब में वजन बढ़ता है। में ये परेशानी की कोई भी हमसे लेने को तैयार नहीं होता है, बैंक वाला भी नहीं लेने को तैयार हो। ये दुकान वाले भाई साहब ने इतने सिक्के 200 रुपए के दे दिए मुझे, अब ये सिक्को कहाँ ले जाकर चलाऊँ, जेब में से गिर रहे अलग, ना कोई लेने को तैयार है। क्योंकि हर बड़ी दुकान वाला है ना मना कर देता है लेने से। यहाँ पे वो तो मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, लेकिन कारण ये हो रहा है कि जो 5 का नोट है उसकी लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं और उसके बाद में लेने से मना कर रहे हैं कि भाई ये करेंसी। मैं भारत सरकार और अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 5 का नोट भारतीय करेंसी नहीं है, या रिजर्व बैंक ने इसे अभी तक घोषित कर दिया कि भाई नहीं चल सकता है। यदि वो घोषित नहीं करती है उसके बाद में अगर कुछ होता है तो आप कार्रवाई की। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की खास रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।